हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है और लगभग अभी बज रहा है 6 और देख सकते हैं सारे घर की साफ सफाई हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज है 10वां दिन, नवरात्रि तो हमारी ख़त्म हो गई है अच्छे से। तो उसके बाद जितने भी कपड़े थे कल वाले, जो कि फुर्सत नहीं मिला था धोने के लिए, तो आज धो देते हैं सभी को और अच्छे से धो के सभी धूप में डाल देते हैं। और शुरू आ रही है क्या, अब दिवाली की भी तैयारी करनी है हमें। तो अभी तो जितने बचे कपड़े हैं, साड़ी कल तो धो नहीं पाई थी, तो अच्छे से धो देते हैं और इसके बाद चाय बना लेते हैं। और आज तो सुबह में ही विसर्जित हमने कर दिया है, जितने भी सामान थे, माला और जो जौ था जमा हुआ भगवान का, जो मिट्टी में जौ जमाते हैं, तो जितने भी सामान थे हमने आज सुबह ही विसर्जन कर दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी चाय बना रहे हैं, सुबह सुबह ही उठकर सारे कामों को निपटा कर और फिर चाय गर्मा गर्म पी लेंगे, इसके बाद खाना बनाएंगे। तो खाने में बहुत ही अच्छी चीज़ आज बनाने वाले हैं थोड़े। तो सबसे पहले तो चाय पी लेते हैं हम सभी परिवार, और सबकी छुट्टियाँ हैं आज, तो साथ में बैठ कर थोड़ा सा नाश्ता करेंगे आज। तो नाश्ते में आज थोड़ा सा खा लेते हैं बिस्किट और चाय सभी को देते हैं सुबह सुबह, तो इस चीज़ का नाश्ता कर लेते हैं। और गंगा जी में, बाप रे बाप, आज ना गंगा जी में तो इतना सारे प्लास्टिक वाले चीज़ें गंदगी भर गया है कि पूछिए मत, बहुत गंदगी है। मतलब ऐसी चीज़ें बहाया जाता, ऐसी चीज़ें विसर्जित, मिट्टी वाली चीज़ें विसर्जित किया जाता है ताकि हम उसमें मिल जाए। और ऐसी चीज़ें विसर्जित कर लेते हैं, कितने लोग कर देते हैं ना, जो कि प्लास्टिक वाले चीज़, फ़ोटो हो गया, प्लास्टिक वाले चीज़ें हो गया, कपड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें ना गलता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज बच्चों को मन था कि आज पनीर फ्राई राइस खाने का, तो चलिए आज हम बनाते हैं पनीर फ्राई राइस, जो कि आप लोगों को भी अच्छे से बताएंगे, जो कि घर पर भी आप बनाकर खा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैं भगोने में 2 गिलास पानी डाल दिया है और उसके बाद 1 बड़े चम्मच मैंने उसमें ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। इसके बाद नमक डाल दिया है और हल्दी डाल दिया है। तीनों को डालकर अच्छा से हम हिला देंगे, खौला देंगे, पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, देख सकते हैं। और इसके बाद ये बासमती चावल को अच्छे से भिंगोकर मैं पहले से ही रख दी थी, तो इसे डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से हम पकाना है, हमें 90% हमें पकाना है, इसे पूरा गला नहीं देना, नहीं तो ये फ्राई राइस फिर गली गली हो जाएगी। तो और क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने तेल ऑयल डाला है इसीलिए, क्योंकि आपस में चिपके भी नहीं और इसे चलाते हुए रहना है और मीडियम आंच रखना है इस पर इसका, ताकि हमें ये देख सकते हैं अच्छे से गल जाए भी, देख लेते हैं कि गला है या नहीं। तो ये थोड़ा सा अभी और बाकी है, तो इसे और अच्छे से गला लेते हैं। तो ये देख सकते हैं 90% यहाँ पर गल चुका है, तो इसे हम अब निकाल देंगे, हवा में ले आई हूँ इस रूम में, और रूम में लाने के बाद इसे थाली में पलट दी हूँ। और किसी भी बर्तन में आप चाहो तो पलट कर अच्छे से इसे फैला दें, ताकि हवा से ना ये अच्छे से खिल कर आ जाए। और यहाँ पर सारी सब्जियों को काट लूँगी। सब्जियों में आप देख रहे हैं कि 2 गाजर ले लिया है और सभी को काट लिया है, यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारे चीज़ें मैंने काट कर रख दिया है। अगर आपको अच्छे से रेसिपी देखनी है, अच्छे से जानकारी लेनी है, तो मेरे दूसरे चैनल पर इस रेसिपीज को अच्छे से बताया है, आप जाएं उस पर, मेरे दूसरे चैनल का नाम है मॉम हेल्दी एंड इजी रेसिपीज, तो उस पर अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और पनीर को अच्छे से छोटे छोटे पीसेस मैंने किया है और इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से भूनेंगे। भूनते टाइम ही पनीर में हम यहाँ पर 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, इससे है ना कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक भी डाला है स्वाद अनुसार, जितना हमारा यहाँ पर पनीर है उसी के हिसाब से स्वाद अनुसार हमें डालना है, क्योंकि मैंने चावल में भी नमक डाली थी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी भर डाला है काली मिर्च पाउडर, जो कि टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे तरीके से आप पनीर फ्राई राइस ज़रूर घर पर बनाएं और एक बार टेस्ट ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो मेरा यहाँ भून चुका है, मैंने निकाल चुकी हूँ। और निकालने के बाद यहाँ पर उसी कढ़ाई में उसी तेल में मैंने जीरा का फ़ोरन दिया है, लहसुन काट कर रखा था उसे डाला है, मिर्च डाला है और अदरक काट के डाला है। और इसके बाद प्याज अच्छे से हमें भून लेना है। तो मैं थोड़ा सा स्किप हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा कट चुका है, तो मैंने बता चुकी हूँ कि क्या क्या इसमें मैंने डाला था। और इसके बाद थोड़ा सा हल्का भून जाए हमारा प्याज, कच्चापन प्याज का चला जाए, इसके बाद हम सारे सब्जियों को इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करते हैं यहाँ पर शिमला मिर्च, जो कि बारीकी मैंने काट चुकी हूँ। और इसके बाद यहाँ पर दो गाजर मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस किया था, उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। और धीमी आंच पर ही इन चीज़ों को बनाएं। तो जब भी हमें सब्जियों को भुनना है तो धीमी आँच ही रखें, क्योंकि सब्जियों को हमें जलाना नहीं है, ज़्यादा भुनना नहीं होता है फ्राई राइस में। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार मैंने नमक भी डाला है, ताकि जितनी सब्जियाँ हैं उसमें नमक थोड़ा सा डालकर इसका स्वाद चेंज हो जाए। इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर चावल हमारा पूरा खिल कर आया है सामने। आप देख सकते हैं कि एक भी चिपचिपा नहीं है, मेरा चावल पूरा अच्छे से खिला खिला नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, तो देख सकते हैं। तो यही होता है कि अगर हम थोड़ा सा तेल डाल दें जब हमें पकाते टाइम ना, तो चिपचिपा जैसा नहीं रहता। और ध्यान हमें बहुत देना होता है जब हम इसे पकाते हैं चावल को, और फिर हवा में अच्छे से आधे घंटे के लिए उसे पानी को सुखा ज़रूर लें। तो यहाँ पर चलाने के बाद अब हम इसमें भुना हुआ पनीर डाल देंगे, तो सभी जगह डाल देंगे, इस तरह से फैला देंगे। और इसके ऊपर अब हम धनिया का पत्ता भी डाल देते हैं। बस हमारा पनीर, फ्राई पनीर तैयार है हमारा। तो इस तरह से घर पर आप भी बनाइए और अपने परिवार को दो। अब बच्चों को भाई बहुत पसंद आता है, मेरे बच्चों को ऐसा पनीर फ्राई राइस तो बहुत पसंद है, पनीर भी बहुत खाते हैं और ये भी फ्राई राइस भी। तो इसी को मिलाकर मैंने पनीर फ्राई राइस आज बनाया है। तो आशा करते हैं ये रेसिपीज आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और अपने घर पर ज़रूर बनाकर खाएंगे, बच्चों को खासकर बहुत पसंद आते हैं। तो देख सकते हैं एक भी चिपचिपा मेरा फ्राई राइस नहीं है। बनाएं घर पर, बहुत ही अच्छा लगता, बहुत ही स्वाद लगा, खाकर तो खूब मज़ा आ गया। वीडियो को एंडिंग कर देते हैं यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और दिवाली की साफ सफाई भी करनी है भाई, हम महिलाओं को तो भाई कभी भी छुट्टी नहीं, चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो या फिर कोई चीज़ हो, छठ हो, मतलब कुछ भी हो, हम महिलाओं को कभी भी छुट्टी नहीं होती है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और क्या कहते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड डे।